नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। बिहार में शेल्टर होम कांड लगातार बढ़ते जा रहा है, चाहे बात मुजफ्फरपुर की हो। मुजफ्फरपुर के बाद अब बिहार की राजधानी पटना में भी शेल्टर होम कांड जो है वो खुलासा हुआ है। एक बच्ची वहाँ से निकली और उसने शेल्टर होम के अंदर जो चल रही चीज़ें हैं उसको लेकर के उजागर किया। इसी मसले को लेकर के आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महिला विंग्स के पास पहुंचे हुए हैं। एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, क्या कहेंगी मैम? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं इंदू सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट। क्या कहेंगी आप इस तरीके से? सर, अभी हम लोग आज सुबह एक प्रोग्राम मैं गई थी, पूरी हमारी सब महिला टीम भी गई थी और हम लोग वहाँ मिलने की कोशिश की है लड़कियों से। तो मैं जो रिगार्ड रूम में मैडम है उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे लेटर लेके आइए आप, तब करेंगे। उसी दौरान हम कुछ बच्चियाँ बाहर निकली और हम लोग कोशिश किए कि वो लोग से बात करें। उसकी पूरी वीडियो मैंने कर रखी है, मैंने फेसबुक लाइव भी किया और मैंने कोशिश की कि बात करें। उनके जो वार्ड से हैं, जो उनके साथ जो महिलाएं थी, वो लोग छीना झपटी करने लगी, हमारा मोबाइल छीन ली, है ना। उसके बाद मैंने लग रहा था कि शरीर पे चढ़ जाएंगी। मैं बहुत आराम से बात कर रही थी, जो कि उसकी वीडियो मेरे पास है, और मैंने कोशिश की कि कुछ महिलाएं, वो लड़कियां मुझसे बात भी करना चाह रही थी, लेकिन वो लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। लग रहा था कि पता नहीं क्या जुर्म हो गया और क्या ही हो गई कि वो लोग को एकदम चारों चार गार्ड्स सामने खड़ी हो गई, लड़कियों को पीछे कर दिया गया और उस तरीके से हम लोग को उससे बात करने नहीं दी गई। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। अगर आप सही हैं तो बात करने में क्या दिक्कत है? आप लड़कियों से क्यों नहीं बात करें? अगर हम परमिशन लेने जा रहे हैं तो परमिशन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? ये बहुत बड़ी, अगर हमारे ये डबल सरकार जो चला रहे हैं हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब आप इतना नारा लगा रहे हैं फिर कहाँ सुरक्षित है हमारी बेटियाँ? मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, हमारी सबकी बेटियाँ हैं। जब बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो फिर क्या करें हम लोग, कैसे जाएं, कहाँ जाएं? अच्छा, पार्टी में जो अभी है, सरकार में जो भी है, नीतीश कुमार है, अभी तक इस मुद्दे पर ना तो मुजफ्फरपुर कांड में कुछ बोले ना तो इसमें कुछ बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सर, जब उन्हीं का सारा काम है तो क्या बोलेंगे? ये सब कराया नीतीश बाबू जी का है, इसलिए वो कुछ बोलने लायक है ही नहीं, क्या बोलेंगे? अच्छा मैम, आपसे भी एक सवाल है। बच्ची जो निकली शेल्टर होम से, उसने ये आरोप लगाया कि बिहार के कई मंत्रियों के पास में लड़कियां भेजी जाती हैं, नशीली दवाएं खिलाई जाती हैं, उनके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए जाते हैं। इस मुद्दे पर मेरी महिलाओं और बेटी लोग के तो साथ तो हमेशा शोषण होता ही है, और जो भी लड़कियां लोग बोल रही है, हमको तो लगता है कि जितना जानकारी होना चाहिए उस कि वो गलत नहीं बोल रही है, वो सही है। क्योंकि बालकागिरी से देखें और भी बहुत सा कांड हुआ महिलाओं लोग के, चाहे जॉब में होता है या हर जगह महिलाओं लोग के शोषण किया जाता है, इसमें बड़े बड़े नेता लोग के ही नाम आता है। अगले बार भी देखिए आया सब, और सारे नेता बीजेपी के ही होते हैं, सारे नेता बीजेपी की ही होते हैं, एक से एक। मेरे पास वीडियो, मेरे पास प्रूफ है ये चीज़ों का। मैं अगर मेरे मुद्दे को कोई गलत साबित करता है तो मैं उसको जो चोर है वो खुद थोड़े जांच करेगा। कहते हैं कि जितनी सरकार बने हुए है चोर चोर सब मौसेरा भाई है, आए? बाकी एक महिला का दर्द तो नहीं करता है। हमेशा नीति जी करते हैं कि महिलाओं के हम सम्मान देते हैं, कहाँ हम लोग के महिलाओं लोग के सम्मान मिलता है, पूछिए हम लोग से, नहीं मिलता है। जहाँ जाते हैं अंत में आप जाते सरकार, हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि महिलाओं को जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद करें और जितनी हो सके इस चीज़ के इसको एक CID जांच करवाया जाए, जिसका उसका एक लेटर भी आया हुआ है जो मेरे पास अवेलेबल है। इस पर मुद्दे पर वो लोग देखें और करें, कुछ कार्रवाई करें, नहीं तो बहुत दिक्कत है। हम लोग पूरा रोड प्रदर्शन करेंगे और पूरे विश्व में करेंगे। तो आपने सुना किस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महिला विंग्स भी अब जो बालिका गृह कांड है, उसके जो बच्ची वहाँ से भाग के निकली है, जो भी वहाँ उसमें बताई उसने कि ये कुछ हो रहा है अंदर में, उसके सपोर्ट में उतर गई है और सरकार से मांग कर दी है कि CBI जांच होनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ बिहार आपके साथ जुड़ा रहेगा। देखते रहिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। अपना परिचय दें, उसके बाद अपने मुद्दे को रखें। ये हम समीम आलम हुए, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये जो है सरकार के इशारा पर ही ये काम हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग वहाँ जाया करते थे और
मंत्री के इशारा पर ये सब काम हो रहा है, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ये बहुत गलत सूचना है, अच्छी खबर नहीं है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, ये लोग डबल इंजन की सरकार है। इतना इतना गंदा जो है सूचना मिलता है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, जो बहुत अशोभनीय है। इसलिए मैं यही मांग करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और यहाँ जांच होगा तभी पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तब तक नहीं तब तक होगा, जब तक नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या है। इसलिए हम सीबीआई जांच मांगते हैं कि यहाँ सीबीआई जांच हो और यहाँ महिलाओं को हक मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार के इशारा पर ही ये काम हो रहा है। इसलिए मैं आपकी मार्फत लोगों के सूचना मिलनी चाहिए, तभी ये कल्याण हो सकेगा, खास करके महिलाओं का, बेटियों का।